कब जब भी मैं कोई बर्थडे पार्टीज या कहीं जाती हूँ, सो दिस इज़ मोर ऑफ अ पार्टी लुक एंड नॉट एन एवरी डे लुक, बिकॉज पार्टी में जाते वक्त लेकिन थोड़ा हैवी मेकअप करना पड़ता है. सो आई एम नॉट सम प्रोफेशनल एट इट, मैं जितना मुझसे बेस्ट हो पाता है मैं उतना करूँगी आज. सो लेट्स बिगिन. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको आई डोंट लाइक टू मच फाउंडेशन ऑन माई फेस, लाइक मुझे फिर बहुत अजीब सा वो हैवीनेस महसूस होता है फेस पर. सो आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसको ज़्यादा फाउंडेशन पसंद है. सो आई विल यूज़ माई लिक्विड फाउंडेशन. मुझे स्टिकी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं पसंद, सो आई विल बी यूजिंग माई लिक्विड फाउंडेशन. ये मैं लंदन से लाई थी, सो आई विल यूज़ दैट विद अ ब्रश बिकॉज आई डोंट नो ब्लेंड आई फील अच्छा होता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है. सो आई विल टेक थोड़ा सा ही एंड मुझसे अंडर आईज ना कभी ढंग से कवर नहीं होती, बट या आई ट्राई माई बेस्ट. आई लव दिस फाउंडेशन बिकॉज ना आई डोंट नो ये स्टिकी बेस की तरह लाइक नो इट जस्ट कवर्स अप एवरी थिंग एंड आई डोंट इवन हैव टू यूज़ अ स्टिकी बेस बिकॉज इट जस्ट मेक्स मी फील आई डोंट नो इट मेक्स मी फील लाइक अ लेयर ऑन माई फेस एंड आई हेट दैट. इफ पीपल थिंक दैट आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हू टेक्स लाइक एन आवर और सो टू गेट रेडी एंड डू माई मेकअप, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं हमेशा विद इन 25 मिनट्स आई एम रेडी विथ माई हेयर एंड मेकअप एंड ड्रेस वेन एवर आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी, तो लेट होने के चांसेस है ही नहीं. इससे ज़्यादा फाउंडेशन मैं कभी नहीं लगाती बिकॉज मुझे फाउंडेशंस इतने पसंद नहीं आते. हाँ, अंडर आइज कवर करना इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट, बट